है, लेकिन राम जन्म से हमें आगे कृष्ण जन्म तक जाना है तो हमने पूरी रामायण का भागवत के अनुसार पाठ भुसुंडी रामायण का करके ये कहा कि हमारा कोई पाठ रह नहीं गया, पर इसमें कुछ कुछ मेन चीज बताने की इच्छा है कि राम का कोई भी चीज अनुकरणीय है। राम का कौन सा प्रेम ऐसा है जो कि भ्रातृ प्रेम, राम जी का बाल्यकाल का भ्रातृ प्रेम देखने लायक। भाई भाई आप सरी में जब घोड़ा खेलने जाते थे तो ये कहते थे, राम जी देखते कि मेरा घोड़ा पीछे चले उसका घोड़ा आगे चले, भरत जी देखते थे मेरा घोड़ा नहीं वो आगे चले। लोगों के मन में आता था कि दूसरे भाइयों को दौड़, आजकल तो जय श्री राधे, वो क्यों आगे गयो, सबसे पहले जलनी वो क्यों आगे गया, मैं कैसे रहा। ये मत्सर रोग निर्मत्सराणाम जो हमने पहले दिन कहा, ये मत्सर रोग किसी को छोड़ता नहीं है। बाकी एक पत्नी व्रत, भाइयों का प्रेम, माता पिता के आज्ञा पालक का प्रेम, मैत्री, सुग्रीव के जैसे मैत्री, शरणागत पालक, कहीं पर भी ऊंची आवाज में न बोलना, प्रजा पालक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो राम जी की तरफ उंगली उठा सके। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। बिनु सेवा, राम जी इतने, देखिए कृष्ण में तो क्या सब अक्षर भी टेढ़े टेढ़े, हमारे टेढ़ों को जन्म होएगा ना, वहां हमारे कछु थोड़ी तैयारी कर लो, पहले सीधे सीधे बह जाए फिर कृष्ण को जन्म करेंगे तब टेढ़ो बह जाएंगे। अब ही तो राम सीधे सीधे पे चल रहे हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत शबरी का, प्रभु न बहुत जिए जानी। वाह वाह क्या बात है। जो गति योग विराग से नहीं मिलती, इतने तपस्या से नहीं मिलती, या पीछे जगह है, वो गति किसमें दी, शबरी को, तुलसी दास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। आपको अगर मीठे मीठे सीधे सीधे मर्यादा भक्ति है तो मर्यादा भक्ति करनी हो तो किसके साथ करें, राम जी से प्रेम करें। और जो कहो को मेरी तरह होए टेढ़ो होए, नाचे भी कूदे भी करे भी लड़े भी, सगरी वस्तु करनी होए तो मेरे कृष्ण से प्रेम कर लियो। देखो बात तो सीधी सीधी कहने को आप पड़े, ऐसे तो ना कह सकें कि आज राम जी कम है, राम जी कहो कम नहीं, पर हमारा जो मन है ना वो थोड़ा टेढ़ो है, तो वो टेढ़े से प्यार करें। जो कहो को सीधो, यहाँ बहुत सीधे लोग भी रहे, तो जो कहो को सीधो हो तो सीधे सीधे राम जी से प्रेम कर ले। भ्रातृ प्रेम भाव उनका बहुत ऊंचा। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आती हूं, धनुष और बाण किस चीज का द्योतक है। राम जी धनुष बाण देते थे, ज्ञान और विवेक का द्योतक है धनुष बाण। किसका? ज्ञान और विवेक से सदा सज्जित रहो। आगे बीच में मैं कह दूं तो क्या, रामकिंकर जी महाराज से मेरी कभी कभी बहुत बात हो जाती थी, वो हमेशा राम जी को ऊंचा बता दे। मैंने कहा आपके राम जी तो धनुष बाण हमेशा लियो करें, मेरे कृष्ण तो एक भी शस्त्र न ले, हमारी दोनों की बात हुआ करती थी। खैर वो भी ज्ञान और विवेक का अरे सभी जितने देवी देवता है ना उनको कुछ ना कुछ लेके बैठना पड़ता है, और मेरे कृष्ण के पास तो केवल बंसी ही रहे और कछु ना है, कोई शस्त्र वस्त्र ना ले, वो तो आंख के बाणते ही लूट ले सबको। राम की भांति ज्ञान और विवेक का धनुष बाण, लेकिन जब उस बंसरी के कृष्ण तक पहुंचना है तो ज्ञान और विवेक के धनुष बाण को धारण करके ही वो टेढ़े कृष्ण के पास पहुंचा जाएगा। जब तक ज्ञान और विवेक नहीं होगा तब तक वो टेढ़े कृष्ण की टेढ़ी लीलाएं समझ में नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। लोग सोचते हैं कि सीधा लाला को लांग बधैया बाजेरी, खाली बधैया बाजेरी काहे की बधैया, आपको समझो कि कृष्ण को प्रकट करना है तो हमारे मन को राम की तरह मर्यादित बनाना है। हम राम को मर्यादित बनाते नहीं है, चल पड़ते सबको चले।
मेरे साथ एक दो बात याद आ जाती है बीच में, एक बार रामकिंकर जी महाराज और हमने दोनों ने बैठे बैठे बात करी, वो राम जी को खींचे और मैं कृष्ण जी को, मैंने कहा अच्छा आपके राम जी बहुत ऊंचे होंगे लेकिन मेरे को बताइए मेरी जो रसीली रास लीलाएं हैं वो रस की जो एक दूसरे के प्रति देख करके जो नेत्रबाण चले वो आपके राम जी चलाए। उन्होंने उठा दी पुष्प वाटिका की लीलाएं और जो उन्होंने सुनाई पुष्प वाटिका मैं दंग रह गई, बोले आपके कृष्ण ऐसे शर्माते शर्माते नहीं करें खुले आम करें, और मेरे राम जी तो वहां से ऐसी टेढ़ी नजर लगे कि सीता जी ने नेत्र बंद करके हृदय में पीना शुरू कर दिया, उनके रास की तो क्या बात है। मैंने कहा राम किंकर जी महाराज से राम जी के बारे में कहेंगे तो चलेगा नहीं। उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा कितना भी होगा गोपियों के प्रेम जैसा तो कोई का प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा गोपियों का प्रेम भरत जी के प्रेम के आगे फीका। ले मैंने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, आपने कहा भरत जी के, देखो अपने अपने इष्ट के लिए कितने लोग बोलते हैं। बोले कैसे फीका? बोले देखो गोपियां ने रास भी खेला तो मन में इच्छी रही, मन में इच्छा रही कि क्या कैसे भगवान मेरे को अंतर घमंड हो गया कि भगवान हमें मिल जाए। गोपी की पूरी काम भावना से कामना से युक्त है, ठीक है कि नहीं? लेकिन भरत जी ने कभी इच्छा नहीं करी। भरत जी ने किसी दिन नहीं कहा कि जल्दी आ जाइए, हमको प्रकट हो जाइए, हमारे पास अंतर्धान मत हो, ऐसा नहीं कहा ना। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा महाराज जी ठीक है आपके राम जी अच्छे, क्योंकि बोले नहीं ना राम जी अच्छे ना खराब ना कृष्ण जी खराब, अपनी अपनी मानता, अपना अपना विश्वास और अपना अपना इष्ट, कोई कम नहीं है, ना राम जी कम है ना कृष्ण जी कम है। राम जी के विवाह की पद्धति भी बहुत अच्छी है, देखिए कहीं पर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने। ये नहीं है कि कृष्ण जी उधर से हरण कर लाए, उधर से पकड़ लाए, उधर ऐसे नहीं, सब मर्यादा से विवाह किया। वो भी जब विश्वामित्र ने आज्ञा दी जब जाके धनुष तोड़ा। अब धनुष तोड़ने का एक ही अर्थ है कि अहंकार को तोड़ा, धनुष का अर्थ अहंकार को तोड़ा। जब अहंकार को तोड़ लेते हैं तब राम जी को सीता मिलती है। सीता मैया भक्ति का रूप और भक्ति का रूप, और राम जब प्रभु के पास भी जाना हो तो अपने अहंकार के धनुष को तोड़ना पड़ेगा। मंथरा दासी पहुंचती है, वनवास की ओर प्रवेश करते हैं, वन गमन भी उनका बहुत ही अर्थपूर्ण है। वन गमन जाने का इसलिए जरूरी थी कि वहां रह करके वो सबका पालन नहीं कर सकते थे। जब हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो सब लोग प्रेम करते थे, तो प्रभु को सब लोग चाहते थे। वहां से जाते जाते चित्रकूट में बसे। चित्रकूट की एक बात बता देती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चित्रकूट में जाने के बाद उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी को कहा कि मुझे कहाँ रहूं मैं, कितने भोलेपन में कहा कि कहाँ रहूं, कहाँ रहूं यानी जहां चाहो वहां रहो। नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभगी भरी नाना, जिनके यहाँ पर जिनके कान, आजकल बड़े बड़े कान बहुतों के होते हैं लेकिन बड़े बड़े लॉन्ग पहनने के लिए होते हैं, इनके कान जिसके बड़े का अर्थ क्या है, जिनके कान कथा सुनने के लिए आतुर हों, भर ही निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहां गृह रूर, आप उनके रे में बस जाओ। जिसके काम क्रोध लोभ मद मोह नहीं हो, लोभ छोग नहीं हो, जिनके कपट दंभ नहीं हो, उनके हृदय में जाके बास करो। अब यहां कहां से लाए, राम जी बेचारे खड़े ही रहेंगे यहां पे, क्योंकि हम लोगों के किसी के ऐसा है ही नहीं कि काम क्रोध लोभ कपट है नहीं, तो भगवान खड़े लेंगे। तब फिर कहा और क्या, समझो ये नहीं है तो राम जी कहां बसेंगे। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा भारी, तुम ही छाणी और कुछ नहीं, तो जिसको राम जी के सिवाय कोई गति न सूझे, राम बसो तिनके उरमा। यहाँ पे कोई हाथ उठाए कि हमें तो और कुछ राम जी के सिवाय दूसरा कुछ नहीं चाहिए, एक भी हाथ नहीं उठा रहे, उठाओ ना, राम जी के सिवाय हमको कुछ नहीं चाहिए। राम जी के सिवाय जिसको कुछ नहीं चाहिए, राम जी उनके हृदय में जाके बैठिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी, जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है, जो दूसरों के सुख में सुखी होता है, हे राम जी आप उनके हृदय में जाके वास करो। अंत में बहुत सुंदर कहा, उसके लिए आप सब हाथ उठा सकते हैं। जिन ही राम तुम
प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिनके जिसको राम जी अपने हृदय में समाकर प्राणों से प्यारे समझे, जो ठाकुर जी को प्राणों से प्यारे समझे, उनके हृदय में जाकर आप वास कर दो। और सब चीजें देखिए अपने को छोड़ दी। कई परीक्षा पत्र आता है ना, तो 4 में से 3 करिए, 10 में से 2 सॉल्व करिए, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी उन्होंने इतने में से इतना सॉल्व करने के लिए एक सरल उत्तर दे दिया कि जिसको राम जी अपने प्राणों से प्यारे लगे, उनके मन में जाके रहिए। स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके सब तुम तात, तिनके मन मंदिर बसहु सीय सहित दो भ्रात। चित्त ही हमारा चित्रकूट है, चित्रकूट में जाके बसे। चित्रकूट का बहुत सारे अर्थ है, इतने अभी नहीं बता सकती। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान करे, उसे चित्त कहते हैं। और हमने सच्चित आनंद रूपाय में चित्त का अर्थ काफी बड़े रूप में किया हुआ है। अभी कई लोग नहीं है, पर पहले चित्त का बहुत बड़ा अर्थ दिया। परमात्मा का चिंतन सतत हो, वही चित्त चित्रकूट बन सकता है। परमात्मा का चिंतन करने के लिए दो जने कभी भी मिलो तो भगवान की जय श्री कृष्ण करके भगवान की एक चर्चा कर लिया करो। जैसे गोपियां होती हैं एक दूसरे, अरे वीर तूने आज कहूं देखो, आज तूने लालन को मुंह देखो, अरे वीर मैं तो काम में रह गई, मैंने तो नहीं देखो। तो दूसरी उससे वर्णन करे कैसे उनके कुंडल है, कैसे उनके बाल हैं, कैसे उनके गमन है, कैसे उनकी चलन है, कैसी उनकी दलन है। लेकिन राम जी के लिए ये कहा है कि चित्त में हर दम, क्या बात, हर दम उनका चिंतन करे। ऐसे चित्त का चिंतन करना चित्त का धर्म है। निश्चय करना बुद्धि का धर्म है, चिंतन करना चित्त का धर्म है। मनन और चिंतन में इतना ही अंतर है कि मनन करना, लोग बोलते चिंतन मनन, हमने भी लिखा है चिंतन मनन यज्ञ। ये चिंतन मनन का अर्थ बता दूं, चिंतन का अर्थ फैलाव, जो बहुत व्याख्या करके अभी जो चिंतन चल रहा है वो चिंतन, और मनन का अर्थ डूबना एक ही जगह। जब डूबता है तो एक ही जगह, जैसे एक राम 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 राम, उसी जगह डूबे और स्वाद ले, उसका नाम है मनन। तो चिंतन और मनन, नाम में डूबा जाता है, चिंतन में फैलाव होता है, जैसे आकाश का फैलाव है, वो है चिंतन और ये मनन। ये चिंतन चित्त का विषय है, मनन मन का विषय है। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है, मंदाकिनी के किनारे जाके रहने लग गए। बोलने को बहुत मन करता है क्योंकि रामायण क्या बचपन से बहुत की हुई और बहुत संग लिया है। राम किंकर जी महाराज का बहुत बहुत संग लिया, और फिर बापू का संग बहुत लिया, बापू के संग बहुत रामायण सुने। तो जो कुछ बची खुची कहा ना सुखदेव जी कहने के बाद, जो उसमें से जरा सा टुकड़ा वो फल में से गिरा, गिरने में से एक राई के दाना जितना कुछ अंदर रह गया, वो मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भरत के भ्रातृ प्रेम की परीक्षा हुई, सिद्धियां बताई, लेकिन भरत जी के जैसा प्रेम कहीं देखा नहीं। एक बार कहीं कथा हो रही थी तो 12 बरस तक कथा सुनने जाते थे। एक उनसे पूछा गया, बनिया था, उनसे पूछा गया आप आते हैं आप अपने बेटे को नहीं लाते हैं? बोले बेटे को नहीं लाता हूँ क्योंकि घर में वो माल मिल गया। यहाँ पे भी जो लेट आते हैं सब अपना माल काम वाम करके आते हैं। तो बोले काम करके करने के लिए अगर यहाँ लाऊंगा और उसको वैराग्य हो गया तो मेरा काम कौन संभालेगा, इसलिए बेटे को नहीं लाते हैं। काम करते हैं, ऑफिस है, ऑफिस है। किसी को पूछो कि भाई आ जाना तो बोले ऑफिस है, हमारे काम बहुत है। तो बोले कथा में आने से काम हर्जा होगा? बोले नहीं नहीं वैराग्य हो गया। बोले 12 बरस तक आप कथा सुन रहे हो, आपको वैराग्य नहीं है, उसको एक दिन की कथा में वैराग्य हो जाएगा क्या? ले वैराग्य हो जाएगा। लोग है ना खुद आते हैं पर अपने बच्चों को नहीं लाते क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। बर्थडे पार्टी में सबको ले जाएंगे, बर्थडे पार्टी। यहाँ पर कहा गया कि राम कथा जहाँ हो वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अब इसमें 7 कांड हैं, रामायण के 7 कांडों का बहुत सुंदर जो अर्थ दिया गया है। पहले तो एक एक आदर्श पात्र लें, रामायण का मुख्य आशय समझ लें। श्री राम जैसा कोई पुत्र नहीं,
वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं, दशरथ जैसा कोई पिता नहीं कि जिसने राम राम कही राम कही राम राम कही राम सुरधा अंतमति उन्होंने राम का नाम लेके गए। और कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई कि अपने मुख से कभी भी राम कहीं भी गया लेकिन कहीं पर भी अपना मातापना लगाया हो, ऐसी माता नहीं। और अंत में ये बात मेरे भी नहीं जची लेकिन कहते हैं कि श्री राम जैसा कोई पति नहीं, और बाद में सीता जी को कर दिया था, और सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं, भरत जैसा कोई भाई नहीं, मातृ प्रेम पितृ प्रेम पुत्र प्रेम भ्रातृ प्रेम पति प्रेम पत्नी प्रेम सर्वोच्च आदर्श रूप अगर कोई है तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे रावण की भी भक्ति थी, वो भक्ति थी क्योंकि शत्रुता की भी भक्ति होती है। कोई बोलता है वो हमारा शत्रु है, वो आप समझ लीजिए वो शत्रु अपना प्रेमी है। बोले कैसे? बोले शत्रु को रात और दिन उसकी नगन लगी रहती है, अगर शत्रुता करनी है तो भगवान से करो क्योंकि रात दिन के उसको कैसे मारूं उसको कैसे मारूं उसको कैसे मारूं, तो उसका नाम तो आएगा ही। तो रावण ने शत्रुता की, शत्रुता के पास भी भक्ति है। कोई कहता उसका प्रेम नहीं, मैंने कहा उसका बहुत प्रेम है। बोले क्यों? बोले रात दिन उसको रहता है कि उसको कैसे तंग करूं उसको कैसे तंग करूं, तो मेरा तो चिंतन हो ही जाता है। बाल कांड श्री सात कांड है, बाल कांड श्री राम जी के चरण है। ये सब जो भी मैं कह रही हूँ वो मेरे नहीं है, संतों की प्रसादी है। मैं संतों की प्रसादी एक मैसेंजर हूँ। अयोध्या कांड श्री राम जी की जंगा है, अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है, किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है, सुंदर कांड श्री राम जी का कंठ है, लंका कांड श्री राम जी का मुख है, और उत्तम उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। ये पूरी श्री राम जो है ये सातों कांड में पूरे श्री राम जी की विवेचना है। और ये जिस संत ने दी उनका राम का नाम स्वरूप, ये पूरे सातों कांड मिलकर के सिर के ऊपर रख करके उन्होंने राम नाम पे ये सातों कांड रख दिए, इसलिए राम नाम सर्वोच्च ऊपर है। राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। किसको मिल सकता है बताइए? आप सब लोग इतने रामायण करते हैं, राम किसको मिल सकता है? बोलिए अशोक जी। जो बालक की तरह निर्दोष हो उसको मिल सकता है। ये मैंने हमेशा से बच्चों से हमेशा से ये बात सुनी हुई थी, राजा राम उसको मिल सकते हैं। बिंदु जी महाराज थे, राजा राम बिंदु जी महाराज का नाम सुना? बिंदु जी महाराज ने कहा था, उनकी लाइन थी, जो बालक की तरह निर्दोष हो उसे राम मिल सकता है। भावा निर्मल मन सो जोई मोई पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। देखो इतनी कथा सुनते हो ये नहीं ध्यान आया, हम निर्दोष थे इसलिए हमें राम के दर्शन नहीं हो पाते हैं। बाल कांड निर्दोष कांड है इसलिए निर्वकारी बने तो राजा राम मिलते हैं, जहां बालकों को कोई ईर्ष्या नहीं होती, दो मिनट में लड़ते हैं दो मिनट में ठीक हो जाते हैं, भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड घर की रामायण का पाठ है। अयोध्या कांड में घर के लड़ाई झगड़े सब होते हैं तो यहाँ नहीं होते, ये शास्त्र कहता है घर के सभी भक्तों में भगवत भाव रखें, इसलिए ये अयोध्या कांड बताया है कि घर गृहस्थी में कितने गृह क्लेश हो आगे कैसे बढ़े। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड वो निर्वासन बनाता है, निर्वैर बनाता है, और सभी महान व्यक्तियों को अरण्यवास कराया गया है। उसके बाद किष्किंधा कांड आता है, जीव की ईश्वर के साथ मैत्री हो सकती है हो सकती है हो सकती है, सुग्रीव जीवात्मा और परमात्मा का मिलन किष्किंधा कांड के लिए। बहुत इसका डिटेल बता सकते हैं पर दो लाइन में आगे बढ़ते हैं। सुग्रीव और राम
अर्थात जीव और भगवान के मैत्री का वर्णन है। मैंने मैत्री का 3 दिन से बराबर वर्णन किए जा रही हूँ, फिर आज वर्णन करती हूँ। मैत्री दोस्त नहीं है, मैत्री दोस्ती नहीं है, मैत्री आत्मा के साथ आत्मा के मिलन को मैत्री कहते हैं। किसी से कहो ना ये मेरे मित्र है तो सोचिएगा कि उसका बुरा भला मेरा बुरा भला, मेरा बुरा भला उसका बुरा भला, उसके सुख दुख का कारण मैं, मेरे सुख दुख के कारण वो, उसके सुख दुख में मैं सुखी दुखी, मेरे सुख दुख में वो सुखी दुखी। इतना विश्वास, मैत्री विश्वास का जन। और वो जो ही सुग्रीव के मन में आया कि मैं बाली को नहीं मार सकता हूं, मित्रता को निभाया राम ने, और उस समय सोचा भी नहीं कि मैं कपट से कैसे मारूंगा, उन्होंने कपट से मार दिया। ये है मैत्री, एक बार मित्र बन गए तो उसके सुख को सुखी करना उन्होंने ले लिया। जब ईश्वर की और जीवात्मा की मैत्री हो जाती है ना, फिर क्या रहता है? फिर सुंदरकांड, फिर सब सुंदर हो जाता है। जैसे भागवत में दशम स्कंद है ना, सबसे सुंदर सबसे प्यारा मेरा लाला का है ना, वैसे सुंदरकांड। ये सुंदरकांड जब होता है जो सचमुच सुंदर है, हनुमान जी की पूरा क्रिया, हनुमान जी का लंका दहन, मतलब कैसे कैसे अपने मंदिर की राक्षसी की वृत्तियों को कैसे दहन किया जाए, जिसका जीवन सुंदर होता है। सीता जी पराभक्ति, सीता जी के दर्शन कराते हैं, बस उसके बाद लंका कांड। आप सोचिए सुंदर के बाद लंका कांड क्यों आया? लंका कांड मतलब सुंदर होने के बाद जितनी अंदर की जो भी दुष्प्रवृत्तियां, द्वेष, राग, काम, क्रोध, लोभ सब है, सबके सब लंका कांड में भस्मीभूत हो। तब भक्ति देवी का दर्शन लेकर के लंका कांड से आगे आते हैं, अयोध्या की ओर ले जाते हैं। उसके बाद उत्तर कांड, उत्तर कांड तुलसीदास जी ने सब कुछ भर दिया। जैसे भागवत में एकादश स्कंद में सारा ज्ञान खंड भर दिया, वैसे उत्तर कांड में ज्ञान खंड भर दिया। गरुड़ जी का घुसुंडी के संवाद करके पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसका जो उत्तरार्ध है वो सुंदर बनता है। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसका उत्तरार्ध सुंदर बनता है। वही वृद्धावस्था में राज्य कर सकता है, क्या बताएं, राज तो कोई करेगा जब करेगा। नवे भक्त प्रणश्यति, इधर हम आगे की ओर बढ़े, घड़ी बढ़ रही है। किस किस की कथा सुनाएं? सूर्यवंश में राजा रामचंद्र भगवान की जय। आगे की कथा आपने को सब सुना दी। आकर के अयोध्या कांड, उत्तर कांड में आके राज तिलक लगाया गया। जितना जितना आशय मैं इस छोटे से समय में छोटी सी बुद्धि से दे सके उतना दी। आगे तो बहुत कुछ विशाल विशाल अर्थ हो सकता है। न जातु काम है कामानुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। राया याति ने अपने पुत्र युवावस्था में लेकर के उसको विशेष सुख का दिया। आगे वर्णन काफी राजाओं का है। मैं आपके पास वो सूची पत्र लेकर के आई तो मैंने कहा मैं तो आज कृष्ण जन्म नहीं कर सकूंगी, इतने इतने कैसे छोड़ूं, पर क्या करूं, आगे बढ़ती हूं। भगवान याति का गृह त्याग और क्या क्या, जरा एक एक लाइन में सुना देना। याति का गृह त्याग और क्या क्या हुआ, कौन पुरुवंश, पुरु के वंश हुए राजा दुष्यंत, भरत के चरित्र का वर्णन, भरत वंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा का वर्णन, पांचों कौरव मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन हुआ, अनुद्रुहा तुर्वसु यदु के वंश का वर्णन शुरू। अब यदु के वंश आते ही हमारा टाइम फैल गया। यदु के वंश का वर्णन हुआ, विदर्भ के देश का वर्णन हुआ। अब हम दशम स्कंद की ओर, पूर्वार्ध की ओर प्रवेश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है समय पर है। रामचरित्र सुनने में और कहने में बहुत सीधा था, कृष्ण चरित्र कहने और सुनने में बहुत टेढ़ा है। टेढ़ा नहीं है जी, बहुत अच्छा है। मेरे लाला को कोई टेढ़ो का है मुझको ना चले। अजी देखो एक बात कह, कोई ऐसे अभी खड़े कर दो एकदम सीधो खड़े हो जाए, और कोई ऐसे टेढ़ो करके टेढ़ी गर्दन करके खड़े, कौन सुंदर लगेगा? टेढ़ी गर्दन वाले सुंदर लगेगा। तो या के मारे मेरे श्याम सुंदर, 3 प्रकार थे टेढ़ो होए के खड़े होए,
आज पहले दशम स्कंद की ओर जाने के लिए एक कृष्ण नाम की धुन हो जाए। मैंने कृष्ण गोविंद गोविंद ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम के, 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 कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, 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 ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, 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 मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे हो, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, 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 हो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी
रचाई रे कृष्ण नाम की। पे कृष्ण मेरी चुनरी पे कृष्ण मेरी चुड़ियों 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 पे मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। 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 हो कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे भैया मैं खुद भी कृष्ण नाम सुनती हूँ तो मेरे भी कुछ हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि केवल कृष्ण के कीर्तन में इतना आनंद आता है तो कृष्ण की कथा सुने और कृष्ण के दर्शन करने से। और आज नंदलाला के घर मेरो लाला आएगा तो का होएगा। अरे प्रगट कहीं बाहर नहीं होते। हम जब अंदर से भाव सबके इतने चेतन आत्माओं के भाव इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या लाला आने तक बाकी रहेगा। अरे देखो इसलिए कृष्ण के नाम की इतनी धुन लगाई है कि वो कहीं पर होएगा वो आए के यहाँ दर्शन दे जाएगा। भागवत का जो असल प्राण है दशम स्कंद। दशम स्कंद आते ही मानो सुखदेव जी के हृदय के कमल खिल गए। जिन सुखदेव जी को इतने दिगंबर इतने मायातीत सुखदेव जी को हिला दिया। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रध्वासम कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर गीत कीर्ति। एक बरहा पीड़म मतलब कैसा बरहा मतलब मयूर पंख पीड़म ये सब एक एक वर्णन शब्द सुनते सुनते जब सुखदेव जी कृष्ण के ये श्लोक से राम जी से नहीं हिले किसी से नहीं हिले कृष्ण का श्लोक जब दिगंबर कृष्ण हिल जाए तो हम तो गृहस्थी हैं हम तो संसारी क्या हम कृष्ण से नहीं हिल सकते। हिल जाना चाहिए आपको कृष्ण नाम सुन के ही। या मारे तो सब गोपियां कहती है मैंने मेहंदी रचाई दे। हमारा हर रूप हर कर्म हर कार्य कृष्ण से संबंधित हो। अरे 7 दिन में मुक्ति दिलाने का नाम लिया है ना कृष्ण भगवान का। आज तो चौथा ही दिन है। देखो चौथे ही दिन कृष्ण जन्म आ गए। और अजी हो तो 7 दिन में ले आने के लिए सबसे पहले सारे अवतार तो किनारे रह गए और कृष्ण अवतार चौथे दिन आ गया। हाँ क्योंकि एक अकेले कृष्ण अवतार में इतनी शक्ति है कि वो सब की सब वासनाएं हटा करके और उन्हें मुक्ति दिला सकती। मैं तो कहूँ मुक्ति भी नहीं दिला दे रस पिला सकती। इसलिए पिबद भागवतम रसमालयम
पीते पीते इतने दिन हो गए पर अभी तक असली रस पियो नहीं पियो। सुखदेव जी साथ सावधान करते हैं, चाहे जो समझाए माना जाए, मुक्ति तो मन को मिलती है पर मन अपने पास रहता ही नहीं। उनका भी मन कृष्ण कथा ऐसी है कि जगत को भुला देती है, हमको खुद को भुला देती है अगर प्रेम से ध्यान से सुने तो। कृष्ण कथा सबको आनंद देती है क्योंकि इसमें सभी रसों का समन्वय। मुझसे किसी कई आकर पूछते हैं कि आपको कृष्ण क्यों अति प्रिय है, अजी कृष्ण के सिवाय कोई और बताए दो कि उसमें सब रस है। राम जी पूरी टाइम बंधे हुए हैं और कृष्ण जी पूरे टाइम खुले हुए हैं, सब रस इतनी अद्भुत इतनी आकर्षक। पहले तो कृष्ण नाम पे ले लो, कृष्ण आकर्षक इति कृष्ण, जिसमें आकर्षण ही आकर्षण बढ़ाओ। अभी मैं मधुरम का पाठ करूंगी फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो कृष्ण के कितने बोलूं श्लोक और कितने पद बोलूं, उसके पहले तो आगे कथा करनी है तो दोनों के बीच में अटक रही हूं। तो श्री कृष्ण की हर लीला देखो, मनुष्य करे वो जीवन और कृष्ण करे वो लीला, भगवान करते वो लीला, हम करें वो नाटक। कृष्ण नाम इतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है कि आप करें जय श्री कृष्ण। देखिए जैसे कोई सामने वाले को खींच रहा है, करिए ना जय श्री कृष्ण। कैसा लग रहा है, सुंदर नहीं लग रहा? और करिए कि कभी सुना कहीं जाते से जय श्री राम, राम राम करते, जय श्री राम नहीं करते, जय श्री कृष्ण। देखिए थोड़ा सा तो मैं कृष्ण का पक्ष ज्यादा लूंगी, जय श्री कृष्ण। भाई कृष्ण नाम ही इतना आकर्षक है, इसका वर्णन जितना करें कम है। यह दशम स्कंद निरोध लीला है, सभी ओर से अपने मन की वृत्तियों को बांध ले, 10 इंद्रियों को बांधकर अपने माल के मालिक कृष्ण को बना लो। एक कृष्ण ही ऐसा है जिसमें सब रसों का समन्वय है। किसी को बाल लीला करनी हो तो बाल कृष्ण लाल की सेवा कर लो, 9 रस एक ही साथ अगर कहीं प्रकट हुए हैं तो पूर्णावतार श्री कृष्ण में 9 के 9 रस है। रौद्र रस ले लीजिए, दास्य रस ले लीजिए, भक्ति रस ले लीजिए, सख्य रस ले लीजिए, बाल रस ले लीजिए और अंत में मधुर रस ले लीजिए। जिसने जो चाहा, जिसने जो मांगा वो कृष्ण ने खुले हाथों दिया। आपकी जो मर्जी हो मांग लीजिए, जिसने जिस लीला में मांगा, चाहे किसी ने रामचंद्र जी के लीला में मांगा और वामन जी में मांगा, लेकिन वामन जी मांगने के बाद सबको हाथ हटाया, रत्नावली मांगा लो कुब्जा करके दूंगा। जिसने ऋषि रूपा जितनी वेद की ऋचाएं हैं उन सब ने कहा कि हमें आपका सानिध्य कैसे मिले, सब लोग गोपियां बन के आ जाना। सब ऋषि रूपा थी जितनी की जितनी गोपियां थी, सबको खुले आम अगर किसी ने रस पिलाया है तो। देखिए भाव रस दोनों का साम्य है, भाव और रस दोनों का साम्य है। वृंदावन में बुद्धि की कल बताएंगे, वृंदावन में बुद्धि का प्रवेश नहीं है क्योंकि बुद्धि भाव को काट देती है। हम कुछ कड़ा खाएं तो दांत टुकड़े करता है, लेकिन नरम खाएं तो दांत की जरूरत नहीं पकती, सीधी जीभ से अंदर। जहां किसी ने कृष्ण लीला में अपनी बुद्धि लगानी और अभिमान लगाना शुरू किया वहीं से वो कट जाएगा। कृष्ण लीला जरा सा भी तर्क करने लायक नहीं, कृष्ण लीला में जरा सा भी अपनी बुद्धि लगाने लायक नहीं। यो होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये प्रेम पत्तनम में बताया है कि श्रृंगार रस सागर में उसका प्रवेश नहीं है। कुतर्क को वहां मार दिया गया। लक्ष्मी जी जहां बुहारी निकालती हैं, इस ब्रज में इस नगर में बुद्धिवादी जीव का प्रवेश नहीं। भाव रूप संसार, और ऐसा नहीं है भगवान ने सबको भाव दिए। अनेक अनेक ज्ञानी भी वहां जाकर के कृष्ण के रस सागर में डुबकियां लगाते हैं। सख्य रस, मधुर रस, वीर रस, बाल रस, दास्य रस,
जो रस बोलिए आपको कौन सा रस चाहिए, चाणु और मुष्टिक है। प्रेम रस तो पांचों में ही है, सभी रसों का मूल प्रेम रस है, लेकिन भाव प्रेम के होने चाहिए, बशर्ते कि भाव प्रेम के हों। रास लीला में श्रृंगार रस है और चाणूर मुष्टिक में वीर रस है और कन्हैया ये नौ रस के ऊपर जो प्रेम रस देता है वही सबका मालिक है। कन्हैया क्या देता है? प्रेम रस, अर्थात कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख्त का मीठा रस है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव ही एक सार है। कृष्ण प्रेम शक्कर और ईख का मीठा रस है। अच्छा क्यों ऐसा बताया कि भैया आप चीनी नहीं खाना चाहते हैं? बोले हमारे पास चीनी नहीं, हम आपको गन्ना ही दे देते हैं। तो क्या गन्ना आपका जो चीनी का काम करता हो कर देगा? नहीं करेगा ना। क्यों? चीज तो वही है। किसी को मक्खन खाना है तो हम दूध दे देते हैं, भैया दूध में ही मक्खन है, आप बतलो आप कर लो, दे देगा? सारी मत करके। इसलिए मक्खन ही कृष्ण को प्रिय है, क्योंकि हम सबकी पूरी का पूरा ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग का निचोड़ निकाल करके जो एक रूप बन जाता है मंथन करके, वो मक्खन श्री ठाकुर को मेरे लाला को प्रिय है। अब भैया शक्कर और ईंट का मीठा रस पिए तो सांसारिक रस कौन पिए? नीम का रस है ना सांसारिक रस। ये रसना स्वाद शंकर जाने, या जाने कोई शुक्र को योगी रे, कोई एक जाने ब्रज की गोपी, कोई एक जाने ब्रज की गोपी, अरे तू क्या जाने भोगी रे। अर्थात इस रसतन का आस्वादन, इस रस से भी एक ऊपर रस है जो हम सातवें दिवस करेंगे, कृष्ण रस से ऊपर है श्री निकुंज रस, राधा रानी का रस। वो हम अब की बार सातवें दिन जरूर वृंदावनी के रसोवासना पे चर्चा करेंगे, वृंदावन से आए हुए भी हैं। और वो रस तो, ये रस तो फिर भी शंकर सुखदेव जी योगी ब्रज की गोपी सब कर पाते हैं, लेकिन उस रस का स्वाद तो केवल जिस पर श्री राधा रानी कृपा करती है वो ही ले सकते हैं। राधा रानी जिस पर कृपा करे सो ये रस चाखे। जगत के जितने रस है वो दिखने में तो स्वादिष्ट लगते हैं लेकिन अंत में कटुता से भर जाते हैं। श्रृंगार रस भी अब जहां रहता मीठा लगता पर कड़वा हो जाता है। एक प्रेम रस सबसे मधुर है। मधुरातिपते रखिलम मधुरम, दो लाइन ले लेते हैं। क्या है कि कुछ भी नहीं लेवे ना कृष्ण का तो मेरे से नहीं कहा जाता। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम। कितना मधुर है ये, देखिए सुनते जाइए, उसकी एक भी चीज ऐसी नहीं कि मधुर नहीं हो। ये मधुर इतना मधुर है। अब कृष्ण के बारे में बोलते जाए तो आधा घंटा कम से कम केवल कृष्ण के बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन आगे अभी अपने को नंद जी का लाला प्रकट करना है। इसलिए प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हमारा मन आपके नाम से आपकी लीला में आपके प्यार में पागल हो जाए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं कि मैं आपकी तरफ खींच सकूं, लेकिन तुझ में ऐसी शक्ति है कि तू मेरे मन को खींच सकता है। मन मेरो लाग्यो श्री गोपी का, मन मेरो लाग्यो श्री नंद नंदन में, लाख कोई मेरे को मारे लाख कोई मेरे को कितना, अरे कभी बिच्छू से खवाए दे और चाहे जितने कमाए दे, माँ बाप से मराए दे, कछु रस्सी से बंधाए दे, पर मैं नहीं छोड़ू कृष्ण को, मन मेरो लाग्यो श्री कृष्ण में। प्रेम और विरह दोनों प्रेम के दो आद है, संयोग और वियोग, और संयोग और वियोग दोनों का सम्मिश्रण है श्री कृष्ण के चरित्र में।
श्री कृष्ण योगी भी हैं, भोगी भी हैं। दूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर छोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पहजनी बाजती तेरी कछोटी वा छवि की रसिकान बिलोकत वारत काम कला निधि खोटी अरे काग के भाग की कहा कहो हरी हाथ से ले गयो श्याम रूप बसो मेरे ही में। अरे आगे कथा कैसे होगी, पूरे के पूरे श्याम के पद मेरे सामने आए हैं। साधो सहज समाधि भली, मुझे ऐसा लगता है कृष्ण नाम में ही समाधि लग रही है। ठुमक ठुमक पग धरनी धरत पर बा उठाई करत चतुराई वाह झुनक झुनक नूपुर झनकारत तत्ता थई कौन सी लीला। कल तो मुझे ऐसा लगता है भैया कल थोड़ी आधा घंटा और जल्दी शुरू कर देंगे क्योंकि एक एक लीलाएं बहुत सुंदर है। कल तीन की जगह ढाई बजे शुरू कर देंगे, बहुत लीलाएं। हाँ गोपियां गृहस्थ होने पर भी परस शुक्र सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना करी कि मेरी इस वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी कथा का वर्णन कर सकूं, तो आप स्वयं राधा कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान होकर कथा करें। वैर और वासना जीवन को बिगाड़ती हैं। वसुदेव और देवकी यदुवंश में लगा हुआ कंस, वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, कंस ने वर वधु का रथ चलाया। आपको सबको कहानी मालूम है, आकाशवाणी हुई कंस देवकी की आठवां संतान तेरी हत्या कर देगी। हाँ यह तो है। वसुदेव देवकी घर आए, प्रथम बालक का जन्म हुआ, जेल में उनको डाल दिया गया। वसुदेव ने बालक कंस को दे दिया। नारद जी पहुंचे, अगर इतनी देर लगेगी तो बहुत जल्दी इसको पाप नहीं बलगेगा। जाके कहा ये आठ फूल है, इसमें से देख कौन सा आठवां है। उसके समझ में आ गया प्रत्येक जो भी होता उनको मारता गया। कंस, क्या मैं सब बालक की हत्या करता रहूं? नारद जी ने सोचा मैं सम्मति दूंगा तो गलत हो जाएगा। कंस अभिमान है, जीव मात्र को बंद करके रखता है, स्वतंत्र नहीं। माया का आश्रय लिए बिना भगवान का अवतार नहीं होता, इसलिए सातवें में योग माया को बुलाया गया और योग माया को नंद बाबा के यहाँ भेज दिया गया। और अब सात आठवें बालक की तैयारी होगी। आठवां बालक योग माया की रोहिणी में अदर स्थापन करने के बाद बलदेव चले गए वहां पर। नंद बाबा ने सबको आनंद दिया इसलिए उनका नाम नंद, और दूसरों को यश दे उसका नाम यशोदा। बड़ी उम्र के थे। पहले मैं वसुदेव देवकी के पहले जरा ब्रज का वर्णन कर दूं, फिर उसके बाद नंदोत्सव मनाएंगे। पहले यशोदा जो यश दे, यशोदा जो सबको आनंद दे, वह नंद। विचार वाणी वर्तन तीनों से आनंद थे। वाणी ऐसी हो जो दूसरे को अच्छी लगे, व्यवहार ऐसा हो जो दूसरे को आनंद दे। शांडिल्य के कहने पर सभी एकादशी का व्रत करने लगे, सोचने लगे। जब परम शोभायमान सर्व संपन्न घड़ी आई, सबसे पहले वसुदेव जी ने चारों तरफ देवताओं ने स्तुति करी, चारों तरफ देवताओं ने स्तुति करी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृद सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना देवता गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। चतुरसा पञ्चविधा षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि दीर्घगोधादिवृक्षः। परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हुई, आकाश निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हो गया, पंछी और भौरे गुनगुनाने लगे। रात के 12 बजे शीतल सुगंधित पवित्र हवा बहने लगी। महात्माओं के मन प्रसन्न हुए और परम पवित्र समय आया। चारों
तरफ फूलों की वर्षा होने लगी और पर उस समय श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की मध्य रात्रि को श्री कमल नयन बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वश स्थल वस्त्रियम नमामि कृष्णम शिरसा चतुर्भुजम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान के श्री हस्तों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए संपत्ति और संपत्ति का जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्र हो जाती तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। मस्तक में बुद्धि है वहां से कृष्ण भगवान जब लिए तो देवकी ने कहा मुझे तो छोटा बालक स्वरूप चाहिए और वो बालक स्वरूप अभी नंदलाला दो मिनट नंद जी दो मिनट हाँ थाली तो भेजाओ उसको दे दो जब लाला के घर होगा सबके जल्दी हो जाती कि कब कृष्ण जन्मे। वसुदेव गोकुल में आ पहुंचे और गोकुल में जब जमुना जी के पार आने लगे और सर्प जी शेषनाग का छत्र हो गया जमुना जी के मैं चरण को पकड़ लूं जमुना जी आगे को उछली और उन्होंने स्पर्श किया जमुना जी नीचे हो गई। वसुदेव जी जाकर के यशोदा के पास में जो योग माया सोई हुई थी उसको उठा लाए और कृष्ण भगवान को वहां रख दिया। वसुदेव ने श्री कृष्ण यशोदा का गोद में रख दिया। कल इसकी बात करेंगे। नंद बाबा यहाँ पर व्रत कर रहे थे 80 बरस के नंद बाबा 60 बरस की ये और जागने के बाद कई संकल्प विकल्प किए यहाँ पे ब्रज में सबको लगे ऐसो का भयो भाई अरे तू जानती गई क्या नंद बाबा के यहाँ अब पुत्र जन्मेगा नंद बाबा ने स्वप्न देखियो है वहाँ के यहाँ पे लाला आने वालो है। अच्छो तो गौशाला में आनंद ही आनंद हो गया। सुनंदा ने सवेरे उठ के देखा यशोदा जी ने देखा कि वहां पर कृष्ण का जन्म हो गया और देखा भैया भैया लाला बरो जय हो बधाई हो। नंद घर आनंद भयो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण को गोपियों का दर्शन मिलने के लिए सब लोग जोर जोर से चले और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। थाल तो बजाओ जरा थाल तो बजाओ शांति से बैठिए नंदोत्सव का आनंद लीजिए। बजाओ मारे अंगनारे थाल तो बजाओ जरा थाल तो बजाओ थाल तो बजाओ मारे अंगनामे थाल तो बजाओ मारे अंगनामे थाल तो बजाओ मारे अंगनारे थाल तो बजाओ मारे अंगनामे अंगना में
भाई बैठ जाएं। नंदोत्सव का आनंद नहीं आएगा, कृपया दो मिनट के लिए बैठ जाएं। कोई भी आगे ना आए, कोई आगे ना आए, देखिए तो सही आपको आनंद कितना आएगा बैठे बैठे, दूसरों को दिखता नहीं, कृपया पीछे आगे के बैठ जाएं। हाँ, कृष्ण का पूजन करना है ना, तो बैठे तो सही, बैठ जाइए वेदवती भाई, प्लीज सब लोग बैठ जाइए। चलो शुरू करो। हेलो, नंद के आनंद, आप सभी से प्रार्थना है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं विशेष रूप से बहनों को, माताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं जानता हूं कि आप में उत्सुकता है, आप एक माँ हैं। देखिए, आप सबके पास बधाई पहुंचेगी। आप एक माँ हैं, माँ को उत्सुकता होती है पुत्र के जन्म की, इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, आपकी उत्सुकता को जानता हूं। राकेश, कृपया बहने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी को जैसा मैंने पहले सूचित किया था, लड़ुआ बजे नंद लाला पे गज भैया, फिर में लड़ुआ बजे नंद लाला पे गज भैया, फिर में लड़ुआ बजे नंद लाला पे गज भैया, अरे लड़ुआ बटे रे, 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 नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। बंधनवार बंधाओ मेरी बहना, बंधनवार बंधाओ मेरी बहना, बंधनवार बंधाओ मेरी बहना, बंधनवार बंधाओ मेरी बहना, पर्दे ओ बड़े पर्दे लगाओ जरिया, बिरज में लड़ुआ बटे बड़े पर्दे लगाओ जरिया, बिरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ मोतियन चौक पुरानी सखियां, मोतियन चौक पुरानी सखियां, अरे सुवरण कलश सजाए, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे, अरे लड़ुआ बटे रे, लड़ुआ बटे रे, लड़ुआ बटे रे पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे रे पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे रे पेड़ा बटे, नंद लाला ओ नंद लाला, ओ नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। केसर कस्तूरी की भर दो तलैया, 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 भर दो तलैया बता दो मिठैया, 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 बरसा दो ओ बरसा दो मूंगफलदान, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज अरे लड़ुआ बटेरे पेड़ा बटेरे, लड़ुआ बटेरे पेड़ा बटेरे, लड़ुआ बटेरे पेड़ा बटेरे, लड़ुआ बटेरे पेड़ा बटेरे, नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया। सबके पास
भय जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की मदन गोपाल की नंद के आनंद